हे नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया रेसिपी, एक नया चटपटा स्वाद लेके, एक नया शॉर्टकट मेन्यू लेके, शॉर्टकट इंग्रेडिएंट लेके और बढ़िया सा जायकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल एंड होटल स्टाइल में आपको खाना बढ़िया बढ़िया जायका लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, चलिए शुरू करते। ओम सायराम, जय श्री गणेश के नाम से आज का रेसिपी है चिकन मलाई मसाला, या आप बोल सकते हैं चिकन मलाई करी, या आप बोल सकते हैं चिकन शाही मसाला। दोस्तों ये सब इतने सारे नाम, कंफ्यूज डोंट वरी, आज का जो रेसिपी है वो है चिकन रिलेटेड एंड विद व्हाइट ग्रेवी। हाँ दोस्तों, एकदम बढ़िया बढ़िया फटाफटी, एंड वो है आज आपका, मैं बनाने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो है चिकन पीनट ग्रेवी मसाला। आपने पीनट तो खाए होंगे, आज यही पीनट ग्रेवी से, इन शॉर्ट आज का जो चिकन बनने वाला है एकदम व्हाइट ग्रेवी, थिक ग्रेवी विद पीनट ग्रेवी। ये बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। चलिए दोस्तों, ओम साई राम, जय श्री गणेश के नाम से स्टार्ट करते हैं। आखिर तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए एंड बढ़िया चटपटे स्वाद के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए बनते हैं आज का चिकन मलाई मसाला। हल्दी पाउडर या मिर्ची पाउडर नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें हरा मिर्ची का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो लगभग एक कप के बराबर मैं हरा मसाला इसे पीस के इस ग्रेवी में डाल दूंगा, एकदम स्पाइसी स्वाद के लिए। दोस्तों एकदम बढ़िया सा नेचुरल एकदम वाइट ग्रेवी और बनने वाला है चिकन मलाई मसाला। चलिए दोस्तों आज ये भी पीस लेते हैं, देन इसमें ग्रेवी डाल देते हैं। चलिए दोस्तों ग्राइंडर सेट करते हैं पीसने के लिए। दोस्तों ठीक उसी तरह हमारे सामग्री तो रेडी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब ये जो पीनट है, ये पीनट को हम लोग हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम पीसेंगे तो इसका जो स्वाद है ये बहुत ही ज्यादा उभर के आएगा। चलिए देखते हैं, इसे फ्राई करने के बाद इसे पीस लेते हैं। चलिए दोस्तों मीडियम फ्लेम में हमने एक कप बराबर हमने जो पीनट है उसे भून लेना है अच्छी तरीके से, लगभग एक मिनट। दोस्तों एकदम मीडियम फ्लेम में, ज़्यादा फ्लेम बढ़ाइए मत, अदरवाइज हमारे जो पीनट्स हैं वो जल सकते हैं। हमें हल्का इन्हें भून लेना है, इससे अच्छा स्वाद आ जाता है। चलिए हमारा भून के हो गया है, अब हम मिर्ची के साथ हमारे जो पीनट हैं इसे हम बारीक तरीके से पीस लेंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा थिक ग्रेवी होने में काम आएगा। उसके साथ मैंने ले लिया आधा कप के बराबर पानी। दोस्तों पानी डाल के इसे फाइनली हमें पेस्ट बना लेना है। चलिए दोस्तों हमारा पेस्ट हो चुका है और कुछ इस तरीके से हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है, एंड यही पेस्ट हमारा वाइट ग्रेवी में काम आएगा। फिर ले लेंगे हम दोस्तों लगभग 3 से 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, या फिर वनस्पति ऑयल बोल सकते हैं, वनस्पति तेल बोल सकते हैं, एंड उसमें हम डाल देंगे दोस्तों 2 बड़ा चम्मच बटर। हाँ दोस्तों, तेल और बटर का बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है रेसिपी के लिए। चलिए हमें इसे पहले भून लेते हैं। हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक गया है, अभी हम इसे क्या है पहले फ्राई कर लेंगे। दोस्तों चिकन को पहले खाली हल्का नमक से फ्राई कर लीजिए। दोस्तों इससे क्या होगा, आपका चिकन ऑलमोस्ट पक जाएगा, जो हमारा ग्रेवी है वो जैसे ही ठीक हो जाएगा, वो जैसे ही पक के वो जैसे ऑलमोस्ट 60% बन के रेडी हो जाएगा, तब हम ये चिकन फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे नमक के साथ हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, तेल में, हल्का तेल में नमक के साथ थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इसका बढ़िया सा जायका उभर के आएगा। तो चलिए दोस्तों वेरी सिंपल वेरी साइंगल इसे फ्राई कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब तेल और बटर में मिक्स होने के बाद हम डाल देंगे हमारा बढ़िया सा चिकन 1 किलो के समान। 1 किलो मीडियम कट हमने चिकन डाल दिया है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक
हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों इसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों नमक के साथ इसे अगर आप फ्राई कर लेंगे तो चिकन के कण कण में भी स्वादिष्ट हो जाएगा एंड आपको दोबारा नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमारा चिकन फ्राई होना रेडी हो रहा है, इसे थोड़ा ढक के स्टीम में हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है दोस्तों, लगभग हमें 40-50% इसे फ्राई कर लेना है। चलिए दोस्तों हमारा गोल्डन ब्राउन बनके रेडी हो रहा है और एक बार कवर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए एकदम बढ़िया सा हमारा चिकन मीडियम फ्लेम में फ्राई हो चुका है लगभग 2 से 3 मिनट तक। चलिए हम भाई हमारा फ्राई होने के बाद इसे हम उठा लेंगे दोस्तों। चलिए और थोड़ा सा और पका लेते हैं। अब पकाने के बाद देखिए एकदम बढ़िया तरीके से अंदर चारों तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अल्टी पल्टी करके सब हमने फ्राई कर लिया है चारों तरफ से। अब हम एक एक करके इसे उठा के साइड कर लेंगे। चलिए दोस्तों चिकन फ्राई होके साइड, अब हम बाकी का रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों फ्राई होने के बाद हमारा चिकन कुछ इस तरह दिखने लगा है, बहुत बढ़िया तरीके से चारों तरफ फ्राई हो चुका है। अब हम उसी तेल में डाल देंगे दोस्तों लगभग 1 टेबलस्पून जीरा, जी हाँ, फिर 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे बड़ी सौंप एंड उसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ, मेन इंग्रेडिएंट हमारा ऑनियन। जी हाँ, ऑनियन देखिए लगभग 2 कप के बराबर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनियन ले लिया क्योंकि ये ऑनियन ही ग्रेवी बनाने में मदद करेगा एंड थिक बनाने में मदद करेगा। तो ऑनियन में कंजूसी मत कीजिए, 2 ऑनियन बढ़िया मीडियम साइज के फाइनली चॉप कीजिए एंड इसे डाल देंगे चिकन मलाई मसाला या फिर चिकन टिक मसाला या चिकन पीनट के बीच। चलिए डालते हैं हमारा चापन। इसके बाद हम डाल देंगे लगभग 2 कप के बराबर हमारा बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ ऑनियंस यानी प्याज। चलिए दोस्तों हमारा मेन इंग्रेडिएंट तो भूल गए, ये है हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट। हाँ दोस्तों बढ़िया सा लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने मिक्स करके पीस लिया है, मैंने पीसना हुआ नहीं दिखाया, ये तो नॉर्मली है आप पीस भी सकते हैं कैसे भी। दोस्तों याद रखिए लगभग इतना इंच, हाँ दोस्तों लगभग इतना इंच अदरक, इतना ये इमली, ये जो ना एक टोपला, दो टोपला, तीन टिपला, ये टिपला के ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इतना सा अदरक एंड लगभग मुट्ठी भर मैंने लहसुन लेके दोनों साथ में पीस लिया है और ये हो गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी डालते, चलिए दोस्तों डालते, ये भी डालेंगे ना नॉनवेज विदाउट लहसुन एंड अदरक, इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होता है पॉसिबल, बट चलिए इसके लिए ये मेन इन्ग्रीडियंट डालते हैं दोस्तों। साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, दोनों हमने साथ में पीस लिया है। कोई बात नहीं, साथ में पीस लेंगे तो भी चल जाता है। तो हमें डाल देना है 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोस्तों इसका जो ये जो मसाला है ये मैंने हैंडमेड, हाँ दोस्तों हैंडमेड गरम मसाला बनाया है, एकदम खारा मसाला बोलते हैं ना खारा मसाला, अक्खा मसाले को पीस पीस के इसे बारीकी से पीसा नहीं, इसको रफली पीसा है। देखिए इसमें जो कण है थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा तेज़पत्ता दिख रहा है, थोड़ा दालचीनी दिख रहा है, थोड़ा लौंग दिख रहा है, थोड़ा इलायची दिख रहा है, ये देखिए इलायची भी दिख रहा है। तो मैंने इसको रफली पेस्ट किया, हरी इलायची, काली इलायची एंड सभी प्रकार के एकदम बढ़िया सा नमक के साथ इसे मैंने पीस लिया। मैं आपको इसे ये पूरा लिस्ट है उसका इंग्रेडिएंट दोस्तों, अगर इसे बनाना है इसे फॉलो कीजिए एंड चलिए अब ये हैंडमेड गरम मसाला, खारा मसाला बोल सकते हैं, इसे हम डाल देते हैं हमारे ग्रेवी में। यस, अब जो गरम मसाला है दोस्तों, ये हमारा गरम मसाला है खारा गरम मसाला, इसमें 1 टेबलस्पून हम अभी डाल देंगे गरम मसाला और बाकी जो 1 टेबलस्पून बचा कुचा है बाद में डाल देंगे। चलिए इसे अच्छी तरीके से हम सॉटे कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से कुक कर लेते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों हमें जो टमाटर है दोस्तों, हाँ ये जो टमाटर है इसे एकदम फाइनली चॉप करना है, हाँ दोस्तों पीसना नहीं, चॉप करना है, इसको फाइनली चॉप करना है दोस्तों। इसे फाइनली चॉप करने के बाद हम ग्रेवी में डालेंगे ये 1 कप के बराबर टमाटर, डाल देते हैं दोस्तों। चलिए जैसे ही हमारा सब कुछ अच्छी तरीके से पक जाता है फिर हम डाल देंगे 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ टमाटर दोस्तों। उसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डाल के इसे भी अच्छी तरीके से हमें सॉटे कर लेना है। ये है हमारा धनिया दोस्तों,
बारीक एकदम काटा, एकदम बारीक बढ़िया सा कटा हुआ, एकदम बारीक चॉप किया हुआ, मैंने एकदम फाइनली चॉप किया हुआ बढ़िया सा धनिया पत्ता काट के रखा है। लगभग एक कप के बराबर हमारा धनिया पत्ता इसमें स्वाद आने वाला है। दोस्तों आपके पास धनिया पत्ता नहीं है तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों कसूरी मेथी, अब मेरे पास कसूरी मेथी नहीं है तो मैं इस धनिया इस मेन्यू में डालने वाला हूँ। चलिए बढ़िया सा स्वाद के लिए चॉप धनिया डाल देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो धनिया हमारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता है उसे हम भी इसी सामग्री के साथ मिक्स करके फ्राई कर लेंगे और सॉटे कर लेंगे। इससे क्या होगा, धनिया का जो खुशबू है बढ़िया तरीके से स्प्रेड हो जाएगा और मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसे सॉटे कर लेते हैं। बढ़िया तरीके से इसका रॉ स्मेल जाना चाहिए, कच्चा स्वाद इसका चले जाना चाहिए। दोस्तों हम थोड़ा सा हल्का सा मतलब आधा से आधा कप पानी हम डाल देंगे ताकि ये मसाला जल ना जाए और अच्छी तरीके से भुन जाए। अब हम डाल देंगे जो हमारा पेस्ट है, हाँ जो हमारा पीनट पेस्ट, पीनट और जो मिर्ची का हमने पेस्ट बना के रखे थे वो हमें इसके साथ फ्राई कर लेना है। दोस्तों चलिए इसे अच्छी तरीके से सॉटे करके मिक्स करके अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं इस ग्रेवी को। ये ग्रेवी अच्छी तरीके से जब तक पके नहीं तब तक दोस्तों मेक श्योर चिकन हम डाल नहीं सकते हैं। चलिए ये पकते पकते हमारा जो एक चम्मच गरम मसाला रह गया था वो भी डाल देते हैं। कंफ्यूज्ड आप बोलो कि सोया सॉस चिकन में, इंडियन रेसिपी में सोया सॉस, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, दीपांकर क्या कर रहा है, ये तो गड़बड़ होटल हो गया। नहीं दोस्तों, अगर आपके पास लेमन नहीं है, नींबू नहीं है, दोस्तों अगर आपके घर पे नींबू नहीं है और ये रेसिपी बनाना है तो डोंट वरी, आप सोया सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं या उसका जायका ले सकते हैं। चलिए अगर आपके पास लेमन नहीं है या लेमन जूस नहीं है, लेमन पल्प नहीं है तो मैं शॉर्टकट तरीका आप भी यूज कर सकते हैं एंड वो है सोया सॉस। दोस्तों आज मैं सोया सॉस डालने वाला हूँ बड़ा सा चटपटा एंड टैंगी टेस्ट के लिए, इसमें टैंगी टेस्ट बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों चलिए डालते हैं हमारा सोया सॉस इन चिकन वाइट ग्रेवी या चिकन इन पीनट ग्रेवी या आप चिकन मलाई मसाला। चलिए चलिए दोस्तों अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अगर आपके पास नींबू का रस है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास नींबू का रस नहीं था तो मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दिया है। इससे एक टैंगी टेस्ट मतलब एक खटासपन आएगा, एक खट्टापन आएगा और बढ़िया स्वाद हो जाएगा। जो चलिए दोस्तों जो हमारे मसाले बच गए थे उसे अच्छी तरीके से धो के हमारे जो मसाले सामग्री के साथ ये भी डाल देंगे ताकि हमारा कोई भी मसाला वेस्ट ना हो। चलिए ये हमारा ग्रेवी का जो मसाला बचा हुआ था इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिक्स कर लिया है। तो इसमें है हमारा पानी का पानी और मसाला भी वेस्टेज नहीं हुआ। चलिए थोड़ा स्वाद कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया बना है। चलिए आगे के प्रोसीजर में। दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, ऑलमोस्ट बनने आया है, ऑलमोस्ट हमारा ये बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। हमें याद रखिए ये बिल्कुल थिक ग्रेवी होने वाला है तो हमें इसे पानी कम से कम यूज़ करना है। हाँ दोस्तों कम से कम यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पानी के जगह मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। हाँ दोस्तों ये जो दूध है इसमें हम लगभग एक कप के बराबर हम दूध डाल देंगे। दूध डालने से क्या होगा, इसमें और थिकनेस आ जाएगा, एक अलग सा स्वाद आ जाएगा एंड एक अलग सा जायका आ जाएगा। तो ये हमारा जो चिकन मलाई मसाला या आप चिकन इन मिनट के भी देखिए इस तरह बढ़िया सा व्हाइटिश व्हाइटिश और बढ़िया सा लबाबदार लजीजदार एंड जायकेदार होने वाला है। चलिए थोड़ा सा एक कप के बराबर हम दूध डाल देते हैं और द बेटर रेसिपी इंग्रेडिएंट एंड टेस्ट। दोस्तों चलिए अब एक कप के बराबर हम कच्चा दूध डाल देते हैं। कच्चा दूध डालने से एक बढ़िया स्वाद आता है। चलिए दोस्तों ये है हमारा लगभग 1 किलो के समान 1 किलो मैंने चिकन ले लिया है। थोड़ा रेग पीस, थोड़ा लेग पीस एज यूजुअल मेरा फेवरेट, थोड़ा लेग पीस, थोड़ा ब्रेस्ट पीस एंड थोड़ा थिक पीस। हाँ दोस्तों उसमें से एक छोटा सा मैंने कोटा ले लिया है। आप नॉर्मल मेन्यू भी आप नॉर्मल चिकन भी क्या ले सकते हैं। चलिए अब ये चिकन डालने की बारी, तो हमारा फ्रेश चिकन बनाते हैं आज चिकन मलाई मसाला या चिकन इन पीनट ग्रेवी। दोस्तों चलिए इसे बनाते। दोस्तों हमारा सभी सामग्री अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, अब हम डाल देंगे हमारा फ्राई चिकन इसके अंदर। हाँ दोस्तों अब फ्राई चिकन इसमें डाल के लगभग 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। दोस्तों गैस को एकदम स्लो फ्लेम में रखिए ताकि इसे पकने में टाइम मिले। चलिए धीरे धीरे इसे स्टेयर कीजिए
ताकि इसका जो मसाला है और जो चिकन है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तालमेल हो जाए, घुल मिल जाए। अब इसे हम लगभग 3 से 4 बार इसे कवर अप करके हम स्टीम कर लेंगे, कुक कर लेंगे। चलिए ये पहला स्टेप हो चुका है। देन इसे थोड़ा हिला लीजिए ताकि ये मसाले और चिकन तले में जल ना जाए दोस्तों। चलिए एक बार स्टेयर कर लेते हैं हल्की तरीके से, फिर से हम इसको कवर करके स्टीम करेंगे। दोस्तों गैस को मीडियम फ्लेम में रखिए, अदरवाइज ये जल सकता है। चलिए ये हमारा दूसरी बार हो चुका है कवर करके कुक करना। चलिए बढ़िया तरीके से देखिए किस तरह उबल रहा है, मतलब हमारा जो मसाला और जो चिकन है दोनों ही एक दूसरे के साथ घुल मिल गया है और बढ़िया तरीके से पक चुका है। चलिए और एक बार हम इसे कवर अप कर लेते हैं। चलिए दोस्तों 3 बार हमने इसे कवर अप करके बना लिया है, कुक कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमारा टेक्सचर्स बन के रेडी और हमारा चिकन भी तैयार हो चुका है। दोस्तों ये प्रोसीजर हमें 5 से 7 मिनट लगता है एकदम लो फ्लेम में। दोस्तों चलिए अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसे अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। देखिए एकदम थिक ग्रेवी के साथ हमारा बन गया है जी हाँ चिकन पीनट मसाला। देखिए एकदम थिक ग्रेवी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लजीज और जायकेदार हुआ है दोस्तों, सीरियसली। चलिए हमारा हो चुका है, ज़्यादा न पकाते हुए इसे हम अब परोसते हैं। दोस्तों ऊपर से कटी हुई धनिया इसे गार्निश करके सर्व करते हैं। दोस्तों देखिए बढ़िया सा हमारा चिकन मलाई मसाला हो चुका है, या फिर आप चिकन पीनट ग्रेवी बोल सकते हैं, चिकन व्हाइट ग्रेवी, बिल्कुल एकदम सिंपल एकदम बढ़िया तरीके से आपके सामने। मैं दीपांकर भद्रा, ओम साईराम और जय श्री गणेश के नाम से ये एक्सक्लूसिव मेन्यू आपके बीच लाया हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा बढ़िया लगा होगा। एंड प्लीज मेरे रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए एंड जरूर कमेंट कीजिए हाउ इट मेक्स। कुछ भी कन्फ्यूजन कुछ भी, ये मेरे मुंह से पानी निकल रहा है। आई कैन नॉट टॉक मोर व्हेन आई सी द रेसिपी इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज रेडी टू ईट। हाँ दोस्तों जब मेरे सामने बना बनाया खाना मिल जाता है तो मेरे मुंह से निकलता है पानी और मैं बात करने में प्रॉब्लम हो जाता है जानी। तो दोस्तों ज़्यादा ना बढ़ाते हुए चलिए आज का रेसिपी यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड प्लीज चिकन मक्खन वाला या चिकन इन व्हाइट ग्रेवी या चिकन इन पीनट ग्रेवी किस तरह बना है चलिए मेरे दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ओम चाइना जय श्री गणेश। आज खाते हैं चिकन।